सब्सक्राइब कीजिए एफ स्टडी क्लास चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम कक्षा 9 की प्रश्नावली नंबर 2.1 इसके क्वेश्चन है वो हम सरल करेंगे। और जो 2.1 जो प्रश्नावली 2 है यानी चैप्टर 2, उसका नाम है बहुपद जो कि पॉलीनोमियल्स। तो इसमें हमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको हम इस वीडियो में सरल करेंगे। तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, पहला जो क्वेश्चन हमें दिया गया है उसमें हमें दिया गया है कि व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ उत्तर हमें इसमें देना है। अब बात करते हैं हम बहुपद की। तो बहुपद देखिए क्या होता है, बहुपद होता है जिसमें चर प्लस एचर, ये दोनों जब पद मिलते हैं तो क्या होता है, एक बहुपद बनता है। चर का मतलब हो गया ए बी सी डी का ए से जेड तक अक्षर, और अचर पद का मतलब हो गया संख्या, संख्या और जीरो से लेके और अनंत तक कोई भी संख्या हो सकती है। तो देखिए, इसमें पहला जो क्वेश्चन आता है उसमें हमें दिया गया है 4x² माइनस में 3x प्लस में 7। तो ये है 4x² माइनस में 3x प्लस में 7। इसमें हमें ये बताना है कि कौन कौन एक चर में बहुपद है। पहले तो ये देखें कि ये बहुपद है या नहीं। तो बहुपद का मतलब होगा जिसमें चर और अचर दोनों आएंगे। उसके बाद में ये देखना है कि जो भी घात होगी वो एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अब पूर्ण संख्या कौन सी होती है, जीरो से हम स्टार्ट करके लिखते हैं वो सभी क्या है, पूर्ण संख्या है, आगे तक लिखते रहेंगे, उसमें माइनस की कोई संख्या नहीं आती और बट्टे में भी कोई संख्या नहीं आती यानी कि भिन्न में। तो यानी कि सभी जो बहुपद है उसकी जो घात है वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तो वो बहुपद ही होगा। तो इसमें देखिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर की घात 2 है, यहाँ पर एक्स की घात नहीं है, तो इसको हम 1 लिख सकते हैं कि एक्स की घात 1 है। तो इसमें देखिए, ये दोनों घात है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, दोनों ही क्या है, पूर्ण संख्या है। और इसमें चर जो है वो क्या है, एक्स है। चर का मतलब ए बी सी डी का अक्षर। तो यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, तो ये क्या है, एक बहुपद है। हम लिखेंगे कि यह बहुपद है और इसमें चर कितने हैं, चर हमारे पास में यानी कि एक्स x है, वो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर यानी कि a b c d का एक ही अक्षर आ रहा है, वो भी x आ रहा है, तो एक लिख देंगे। अगर x y 2 होते हैं तो हम लिखते हैं चर 2 है इसमें, x y z होते हैं तो 3 चर हो जाते हैं, इस तरह से। सेकंड जो इसमें आता है, यहाँ पर देखिए y square plus root 2, तो y square plus root 2, यहाँ पर पहले ये देखें बहुपद। तो बहुपद में मैंने आपको जैसे बताया कि जो चर पद है, चर होता है, उसकी घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तो यहाँ पर चर क्या है, y है, तो y की घात 2 है, इसका मतलब ये पूर्ण संख्या है, तो ये क्या है, एक बहुपद है। और इसमें चर कितने हैं, चर y है, तो एक चर हो गया। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि बहुपद है और साथ में चर है वो एक है। तीसरा जो क्वेश्चन इसमें दिया गया है ये है 3√t प्लस यहां पर है t√2। इसको देखिए, अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, जैसे कि अंडर रूट 2 है तो इसको हम 2 की घात 1/2 भी लिख सकते हैं, 1/2 का मतलब रूट ही होता है। तो यहाँ पर अगर इसको लिखें 3 गुणा, यहाँ पर टी पर रूट है तो टी की घात 1/2 लिख दें, और प्लस में यहाँ पर हो गया t√2। तो अब देखिए, चर पद है उसकी घात क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या, तो यहाँ पर 1/2 है वो पूर्ण नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, बहुपद नहीं है, तो हम लिखेंगे बहुपद नहीं है। लेकिन इसमें चर है वो क्या है, टी आ रहा है यानी एबीसीडी का अक्षर, तो चर तो एक है लेकिन यहां पर ये बहुपद है वो नहीं है। चलिए, इसके बाद में देखिए 4 नंबर, यहां पर है वाई स्क्वायर प्लस 2/y। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वाई स्क्वायर प्लस 2। अब जो नीचे बट्टे में y है उसको अगर ऊपर लेके जाएंगे तो वो गुणा में y हो जाएगा, नीचे इसकी घात 1 है तो ऊपर जाने के बाद में माइनस में 1 हो जाएगी। तो अब यहां पर ये देखिए कि इस y की घात 2 है जो कि प्लस में यानी एक पूर्ण संख्या, लेकिन यहां पर जो y है उसकी घात माइनस में है, तो माइनस में क्या है, वो पूर्ण संख्या नहीं होती, तो इसका मतलब ये क्या है, एक बहुपद नहीं है, तो हम लिखेंगे कि बहुपद नहीं है। और इसमें चर है
चर इसमें क्या है, वाई आ रहा है, यहां पर भी वाई है और यहां पर भी वाई, तो चर कितने हैं, एक चर में है, ये लिख सकते हैं, लेकिन बहुपद नहीं है। आगे जो है संख्या, उसमें देखिए एक्स वाई और टी तीन चर है, तो चर कितने हो जाएंगे, तीन हो जाएंगे। अब ये बहुपद है या नहीं है, इसमें घात 10 है जो कि पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है और ये भी पूर्ण संख्या है, तो इसका मतलब ये क्या है, एक बहुपद है। तो x की घात 10, y की घात 3 और t की घात 50, तो यह क्या है, बहुपद है, क्योंकि इसमें सभी घात है वो पूर्ण संख्या है, जो चर की घात है वो सभी पूर्ण संख्या है और इसके साथ में इसमें चर है x, y, t अलग अलग है, तो कितने चर हो गए, तीन चर हो गए, तो यहां पर चर लिख देंगे हम तीन। तो इस तरह से आपको ये बताना है कि कौन कौन एक चर में बहुपद है, यानी कि बहुपद हमें बताना है और कितने चर में है, एक चर में है, दो में है, तीन है, जो भी वो हम लिख देंगे। चलिए इसके बाद में शुरू करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर दो। क्वेश्चन नंबर दो में देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब है कि एक्स स्क्वायर जहां पर भी है उसके पास में अगर कोई संख्या है तो वो उसका गुणांक होता है, अगर संख्या नहीं है तो वहां पर हम एक मान लेते हैं। जैसे कि इसमें देखिए ये पहला क्वेश्चन, इसमें एक्स स्क्वायर के पास में कोई भी संख्या नहीं है, ये प्लस में दो इधर इस साइड में है, लेकिन गुणा में क्या है, गुणांक देखना है। तो एक्स स्क्वायर के पास में कोई भी संख्या नहीं है तो हम ये मानेंगे यहां पर एक है, तो यहां पर हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक एक है, यहां पर एक हो जाएगा। इसमें एक्स स्क्वायर के पास में कोई भी संख्या नहीं है तो हम इसमें भी एक मानेंगे, लेकिन चिन्ह किसका है, माइनस का चिन्ह है, तो माइनस एक मानेंगे। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहां पर हो जाएगा माइनस में एक। इसमें एक्स स्क्वायर के पास में गुणा में जो संख्या वो पाई बटे दो है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक इसमें हो जाएगा पाई बटे दो। इसमें देखिए यहां पर कोई भी एक्स स्क्वायर का, पहले तो इसमें कोई एक्स स्क्वायर का पद नहीं है, यानी कि यहां पर एक्स स्क्वायर है ही नहीं इसके अंदर, तो हम क्या मानेंगे, एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहां पर लिख दें एक्स स्क्वायर का गुणांक जीरो है। तो इस तरह से आपको यह गुणांक है वो बतानी है, यानी कि आपको सिर्फ इतना देखना है कि एक्स स्क्वायर के पास में कौन सी संख्या, यानी गुणा में क्या है उसके, वो उसका गुणांक होता है। यहां पर देखिए तीन नंबर जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है कि 35 घात के द्विपद, यानी पद कितने होने चाहिए, दो होने चाहिए, और 100 घात के एक पदी का उदाहरण लिखना है। तो 35 घात का द्विपद लिखना है, यानी कि जिसमें पद कितने हो, दो हो, तो हम ये लिख देंगे x और y, इसमें कितने पद हैं, दो पद हो गए। 35 घात का यानी एक जो भी चर है एक के ऊपर 35 घात होनी चाहिए, तो इस पे हमने 35 लिख दिया, इस पर कितने भी लिखा दिया ऐसे छोड़ दे इसको, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसके अलावा ये हम दूसरा ये भी लिख सकते हैं, जैसे कि 3x की घात 35 प्लस यहां पर हमने लिख दिया 25, तो इसमें भी दो पद हो गए, तो इसमें भी क्या है, ये 35 घात के द्विपद, यानी पद दो हो गए और घात कितनी होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए। तो आप कोई भी उदाहरण एग्जांपल ऐसा लिख सकते हैं आप। उसके बाद में 100 घात के एक पद, यानी कि घात कितनी होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए और पद कितने होने चाहिए, एक होने चाहिए। तो हम ये लिख सकते हैं कि a की घात 100, बी की घात 100 या एक्स की घात 100, वाई की घात 100, इसमें सब में एक पद है और घात कितनी है, 100। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे कि अब संख्या आगे लिखना चाहे तो कोई भी इनके आगे संख्या भी लिख सकते हैं आप। जैसे इसके आगे हमने 6 लिख दिया, 9 लिख दिया, यहाँ पर 8 लिख दिया, यहाँ पर 5 लिख दिया, तो 5y की घात 100, कितना भी आप जो मन करे आपका वो आप लिख सकते हैं, यानी पद एक होना चाहिए, घात 100 होनी चाहिए और आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। तो इस तरह से आपको ये उदाहरण है वो आपको लिखना है। चलिए इसके बाद में शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए प्रत्येक बहुपद की घात लिखनी है, बड़ी से बड़ी घात कितनी है वो लिखनी है। तो इसमें सबसे बड़ी घात कितनी है, तीन है, तो हम यहां पर लिख देंगे कि घात तीन है। इसमें घात दो है तो हम लिखेंगे कि घात दो है। इसमें घात इस पर एक है तो हम लिखेंगे कि घात एक है, और इस पर कोई भी यहां पर नहीं है तो इसमें घात लिख देंगे जीरो, तो इसकी घात हो जाएगी जीरो। तो इस तरह से आपको घात है वो लिखनी है। चलिए इसके बाद में हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में इसमें हमें यह बताना है कौन रैखिक है, कौन द्विघाती है और कौन त्रिघाती बहुपद है। इसमें रैखिक का मतलब होगा जिसमें घात नहीं होगी, यानी एक घात होगी वो रैखिक कहलाता है, और जिसमें दो घात होगी ज्यादा से ज्यादा वो द्विघाती होता है, और जिसमें ज्यादा से ज्यादा तीन घात होती है वो त्रिघाती कहलाता है। यहां पर जो पहला क्वेश्चन है इसमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें ज्यादा से ज्यादा घात है वो दो है, तो इसको हम लिखेंगे द्विघाती बहुपद।
इसी तरह से इसमें ज़्यादा से ज़्यादा घात तीन है तो ये हो जाएगा त्रिघाती, तो इसको लिख देंगे हम त्रिघाती बहुपद होगा ये। यहाँ पर बड़ी से बड़ी जो घात है वो दो है तो ये भी द्विघाती हो जाएगा, वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस चार, तो इसको लिखेंगे हम द्विघाती। उसके बाद में यहाँ पर है वन प्लस एक्स, इसमें एक्स की घात एक है तो इसको लिखेंगे रैखिक, ये रैखिक बहुपद होगा। उसके बाद में यहाँ पर भी टी की घात एक है तो ये भी रैखिक हो जाएगा। उसके बाद में आर स्क्वायर है तो इस पे घात कितनी है दो है तो द्विघाती हो जाएगा। और उसके बाद में आता है सात एक्स क्यूब, इसमें एक्स की घात बड़ी से बड़ी तीन है तो ये कहलाएगा त्रिघाती बहुपद। तो इस तरह से आपको ये बताना है कि रैखिक कौन है, द्विघाती कौन है और त्रिघाती कौन है। तो इसमें पांच क्वेश्चन दिए गए थे, मैंने आपको सभी बता दिया इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन जरूर दबाना ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।